मेरे वीडियो को लाइक करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे वीडियोस आपको हमेशा हेलो आप करना चाहिए ये सब मैं बताऊंगा अपने स्टूडियो में तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें तो सबसे पहले बात करते हैं हेमोटाइटिस होता क्या है हेमोटाइटिस को आम भाषा में बलगम के साथ खून आना बलगम में खून आना ब्लड इन स्पुटम भी बोला जाता है जब कोई पेशेंट खांसता है तो खांसने के दौरान बलगम के साथ में ब्लड आ जाता है ये स्पूटम थोड़ी मात्रा में आता है या फिर ज्यादा मात्रा में भी आ सकता है जब किसी पेशेंट को ब्लड इन स्पुटम की समस्या हो जाती है तब इस कंडीशन को हिमोटाइटिस बोला जाता है तो बात करते हैं इसके बलगम के साथ में इंफेक्शन की वजह से या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से तब इस कंडीशन में लोगों में फेफड़ों से संबंधित कई सारी बीमारियां हो जाती है जिसकी वजह से हिमोटाइटिस हो जाता है जैसे कि एक्यूट या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाना ब्रोंकिस का हो जाना जब किसी व्यक्ति को सीओपीडी हो जाता है यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को हेमोटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है लंग्स में किसी तरह का अबसेस का होना या फिर किसी तरह का घाव का हो जाना पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाना वायरल इंफेक्शन हो जाना या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो जाना लोगों में न्यूमोनिया का हो जाना या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का हो जाना जब किसी पेशेंट को फेफड़ों की टीबी हो जाती है जिसको टीवर क्लोसिस बोलते हैं तब इस कंडीशन में भी लोगों को हेमोटाइटिस यानी कि बलगम के साथ आ सकता है। जो ब्लड थिनर लेते हैं, यानी कि ऐसी दवाएं जो खून को पतला करती हैं, तो इस कंडीशन में हेमोटाइटिस हो सकता है बलगम के साथ खून आ सकता है ट्रॉमा की कंडीशन होना यानी कि किसी तरह की चोट का लग जाना इस कंडीशन में भी बलगम के साथ खून आ सकता है जब किसी व्यक्ति को कंजेस्टिव हार्ट फेलर हो जाता है या फिर उसको ऑटो डिजीज हो जाती है तो इस कंडीशन में भी हिमोटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है तो बात करते हैं हिमोटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में इसके क्या लक्षण हो सकते हैं बलगम के साथ खून का आना चेस्ट में पेन होना यानी कि सीने में दर्द होना चेस्ट कंजेशन हो जाना सीने में जकड़न महसूस होना वेट लॉस होना तेजी से वजन का कम होना फीवर यानी कि बुखार का आना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में परेशानी होना स्वेटिंग एट नाइट यानी कि रात के समय में पसीना आना या फिर ठंड लगकर बुखार आना ये कुछ लक्षण होते हैं हेमोटाइटिस के या फिर इसके अलावा भी कुछ लक्षण हो सकते हैं तो बात करते हैं हेमोटाइटिस के के ट्रीटमेंट बारे में अगर किसी व्यक्ति को बलगम के साथ खून आ रहा है तो उसका क्या इलाज करना चाहिए सबसे पहली बात अगर आपको हेमोटाइटिस के लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए हेमोटाइटिस के कई कारण हो सकते हैं सही कारण का पता लगा ही इलाज शुरू करना चाहिए इसीलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जैसे की चेस्ट का सररे सीबीसी स्पुतम की जांच कराई जाती है या फिर इसके अलावा भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग टेस्ट कराए जाते हैं अगर किसी पेशेंट को बलगम के साथ हल्का खून आ रहा है तब उसको जो मेडिसिन दी जाती है टैबलेट इथमसाइलेट 500 एमजी सुबह शाम या फिर दिन में तीन बार तक या फिर टैबलेट टरनेक्सा 500 एमजी सुबह शाम या फिर दिन में तीन बार तक दी जानी चाहिए इसके साथ ही टेबलेट लिमसी इसमें विटामिन सी होता है इस टेबलेट को रोजाना देना चाहिए अगर पेशेंट को स्पुटम में ब्लड ज्यादा मात्रा में आ रहा है तब इसके इंजेक्शन भी देने चाहिए जैसे कि इंजेक्शन इसको आईएम या फिर आईवी स्टेट देना चाहिए या फिर इंजेक्शन ट्रनेक्सा इसको आईवी स्टेट देना चाहिए इसके साथ ही इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट टेल आई वी स्लो देना चाहिए कफ को रोकने के लिए यानी कि खांसी को रोकने के लिए सिरप दी जानी चाहिए जैसे कि की साथ में इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जैसे कि मोनोसेपेस भी। इसमें सेप्ट्रक जोन एक हज़ार एम होता है और सलबेक्टम पाँच सौ एम होता है इसको आईवी सुबह शाम सात दिनों तक दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देना चाहिए यानी कि अगर उसको चेस्ट में पेन हो रहा है तो पेन किलर्स देनी चाहिए जैसे कि एसक्लोफिनिक डाइक्लोफिनिक या फिर फ्लेक्सॉन इन टैबलेट को सुबह शाम या फिर जरूरत पड़ने पर देना चाहिए अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक पायरेटिक मेडिसिन दी जानी चाहिए जैसे की पैरासिटामोल पैरासिटामोल हर छह घंटे पर या फिर जरूरत पड़ने पर पेशेंट को दे सकते हैं साथ में आप कैप्सूल पेंटाप्राजोल ओमेप्राजोल या फिर रबेप्राजोल सुबह खाली पेट दे सकते हैं साथ में पेशेंट को एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी दी जानी चाहिए जैसे की मोन्टिकोप पांच एम जी इसको सुबह शाम देना चाहिए इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हाईर सेंटर्स रिफर कर देना चाहिए तो आपको समझ में आया हो आई होगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। करें। कर, प्रेस कर लें जिससे आपको हमेशा मिलते रहेंगे एक चीज और सभी लोगों को बताना चाहता हूँ अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल मेडिसन ब्लॉग्स के नाम से मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उस चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं